पन्ना टाइगर रिजर्व में नर हाथी गणेश की सर्जरी पूरे 2.5 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद सफलतापूर्वक हुई। बता दें कि विगत 15 दिनों से 28 वर्षीय गणेश के अगले बाएं पैर में फाइब्रोसिस होने के कारण एक फुटबॉल के आकार की आकृति निर्मित हो गई थी, जिसके कारण हाथी को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। पैर में सूजन आ जाने के कारण उसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। इसके चलते सुबह हाथी के हिनौता में SWHFH जबलपुर की टीम एवं पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने मिलकर इस फुटबॉल नुमा आकृति की सर्जरी की गई। सर्जरी के दौरान हाथी गणेश को बेहोश किया गया। फील्ड डायरेक्टर का कहना है कि हाथी के आगे वाले बाएं पैर में फुटबॉल के आकार की आकृति निकल आई थी, जिसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन चलने फिरने में परेशानी होने तथा तकलीफ बढ़ने पर पार्क प्रबंधन द्वारा सर्जरी से गांठ निकालने का निर्णय लिया गया। सफल सर्जरी के उपरांत हाथी को होश में लाया गया तथा उसे ड्रिप चढ़ाई गई। हाथी गणेश अब पूरी तरह से स्वस्थ है। इस हाथी की समुचित देखरेख, आवश्यक उपचार जारी रहेगा। हाथी गणेश को वर्ष 2012 में जनवार के पास उस समय पकड़ा गया था जब वह हाथियों के अपने कुनबे में बिछोड़कर यहां पहुंचा था। इस जंगली हाथी को पन्ना टाइगर रिजर्व के महावतों ने यहां पर प्रशिक्षित हाथियों के बीच उसे रखा और ट्रेनिंग दी, तभी से गणेश पन्ना टाइगर रिजर्व के हाथियों के कुनबे में शामिल है। फील्ड डायरेक्टर के अनुसार पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 14 हाथी हैं। नर हाथी के आगे वाले बाएं पैर में फाइब्रोसिस से जो है एक फुटबॉल नुमा एक आकृति बन गई थी, ट्यूमर टाइप का एक डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से उसके पैर में पिछले 15-20 दिनों से सूजन आ गई थी। हमारे यहाँ के जो पन्ना टाइगर रिजर्व के डॉक्टर हैं डॉक्टर संजीव गुप्ता द्वारा उनका पिछले 10-12 दिनों से इलाज भी किया जा रहा था, लेकिन हमें लगा कि उससे ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा है। हम लोगों द्वारा फिर चर्चा करके निर्णय लिया गया कि इसकी सर्जरी करानी आवश्यक है। सर्जरी कराने के लिए SWFH जबलपुर की जो शल्य चिकित्सा वाली टीम है उसको हम लोगों ने आग्रह किया कि वहाँ पर तकलीफ है, तो वहाँ से एक टीम डॉक्टर शोभा जावरे के नेतृत्व में यहाँ पर आई और आज सुबह वो जबलपुर की टीम और हमारे डॉक्टर साहब ने मिलकर उसकी सर्जरी की। सर्जरी सफल रही और सर्जरी के बाद हाथी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और अब इस सर्जरी के बाद में हाथी को सही होने में पूरी तरह से उसका घाव ठीक होने में जैसे डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि 2 से 3 माह भी लग सकते हैं। इस अवधि में उसका स्वास्थ्य पूरे परीक्षण की व्यवस्था रहेगी और किसी भी प्रकार का घाव बढ़े ना इसमें भी हमारे द्वारा पूरा ध्यान दिया जाएगा। सर पन्ना टाइगर रिजर्व में कुल 15 हाथी हैं जिसमें से एक हाथी हमारे द्वारा एक नौरा देवी सेंचुरी में भेजा गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर इस वक्त 14 कुल हाथी हैं।